नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज सिंह, सहायक आचार्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय NIOS के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं प्राथमिक स्तर पर गणित सीखना के पाठ्यक्रम 504 में गणितीय माध्य के बारे में आपसे वार्तालाप करूंगा। गणितीय माध्य, जैसा कि हम जानते हैं, पिछली कक्षाओं में हमने सीखा है कि हम अपने आंकड़ों को पहले व्यवस्थित करते हैं और उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जिसके तहत हिस्टोग्राम, आयत चित्र, दंडालेख और पाई चार्ट का हमने यूज किया। अब जब हमारे आंकड़े व्यवस्थित हो गए, तब हम उन पे जो है स्टैटिक्स के, जो है सांख्यिकी के कुछ जो है क्रियाएं लगाएंगे। इनमें जो है केंद्रीय प्रवृत्ति, जिसमें जो है हमारा गणितीय माध्य, मध्यांक और बहुलक, तीन चीज़ें आएंगी। तो गणितीय माध्य जो है, यानी मीन, मीडियन और मोड। तो आज की कक्षा में हम मीन के बारे में, गणितीय माध्य के बारे में विस्तृत बताएंगे। तो गणितीय माध्य जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे सामान्य मापक है। गणितीय माध्य अथवा केवल माध्य भी इसे कहते हैं। इसे सामान्यतः कई लोग औसत भी कहते हैं। माध्य डेटा सेट का संख्यात्मक औसत है। माध्य सेट में सभी मान को जोड़कर फिर मानों की संख्या से योग को विभाजित करने पर प्राप्त होता है। जैसे हमारे पास मान जो है x1, x2, x3 और x4 हैं, तो अगर हम इसका औसत निकालेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, यानी इन चारों मानों का योग और इनकी संख्या से, यानी 1, 2, 3, 4, चार से जब हम भाग देके जो हमें प्राप्त होगा वही हमारा जो है माध्य होगा। तो गणितीय माध्य की दो प्रमुख विधियां हैं, जिसमें एक प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, और दूसरा जो है कल्पित माध्य विधि, यानी एज्यूम्ड मीन मेथड है। इन दोनों विधियों की हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। पहला जो हमारा, हम आज केस लेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों का गणितीय माध्य। इसमें जो है प्रत्यक्ष विधि द्वारा जब हम इसको हल करेंगे, तो प्रत्यक्ष विधि में सभी आंकड़ों को जोड़कर उनकी संख्या से भाग दिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे कि निम्न आंकड़ों का माध्य निकालिए, तो निम्न आंकड़ों में जैसे 40, 55, 50, 78 और 58 है। तो हम इस प्रत्यक्ष विधि में क्या करेंगे कि इन सारे आंकड़ों को जोड़ देंगे, और सारे आंकड़ों को जोड़ने के बाद हम इसमें, चूंकि आंकड़ों की संख्या 5 है, तो उससे 5 से हम इसको विभाजित कर देंगे, और विभाजित करने पे हमको जो माध्य आएगा वो 56.2 आएगा। अब कल्पित माध्य विधि क्या है? तो कल्पित माध्य विधि में हम एक कल्पित माध्य चुनते हैं। कल्पित माध्य की विधि का क्या है, थोड़ा सा हम इस पर प्रकाश डालेंगे। कल्पित माध्य विधि में हमारे पास जो दिए गए आंकड़े हैं, उन्हीं आंकड़ों में से किसी एक को जो है हम कल्पित माध्य चुन लेंगे। कल्पित माध्य से फिर हम जो है अपने माध्य की तरफ जाएंगे। हमने कल्पित माध्य एक चुन लिया, माना कि जो कल्पित माध्य हमारा है वो ए है, ए मान लेंगे, और फिर इस कल्पित माध्य से हम अपने उस आंकड़े के वास्तविक माध्य, यानी जो माध्य है उस आंकड़े को निकालते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि जो कल्पित माध्य है ए और हमारा जो माध्य है, मान लीजिए वो एम है, तो या तो कल्पित माध्य ए जो है उस यम से बड़ा हो सकता है, या उस यम से छोटा हो सकता है, या उस यम के बराबर हो सकता है। ये तीन संभावनाएं हैं जो हमारा कल्पित माध्य और माध्य के बीच में संबंध दिखाएगा, यानी कि जो कल्पित माध्य हमने ए लिया है वो हमारे वास्तविक माध्य से बड़ा हो सकता है, या उससे छोटा हो सकता है, या उसके बराबर हो सकता है। तो अगर हमारा कल्पित माध्य, अगर हम इस केस की बात करें, तो जब हम अपना वास्तविक माध्य निकालेंगे, तो कल्पित माध्य अगर हमारा इस माध्य से बड़ा है तो इसमें कोई ना कोई चीज जो है घटेगी, एक फैक्टर जो है इसमें से माइनस होगा, तभी हम वास्तविक माध्य की तरफ आ सकते हैं। अगर हम दूसरे केस की बात करें, तो इसमें जब हम वास्तविक माध्य निकालेंगे तो हमारे जो ए की वैल्यू है उसमें कुछ ना कुछ जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा वास्तविक माध्य जो है बड़ा है हमारे कल्पित माध्य से, तो इसमें वही फैक्टर जो है हमारा कुछ ना कुछ जुड़ जाएगा। और अगर हमारा कल्पित माध्य और माध्य बराबर है, तो इसमें जो है जब हम माध्य निकालेंगे अपना वास्तविक माध्य, तो ये टर्म जो है हमारा जीरो आ जाएगा।
तो इस प्रकार जो है कल्पित माध्य विधि में जो है हम एक कल्पित माध्य उन्हीं आंकड़ों में से या उनके अलावा भी हम चुन सकते हैं, उसमें सभी आंकड़ों का जब हम ले लेंगे तो सभी आंकड़ों का विचलन ज्ञात करते हैं। विचलन क्या है कि जो हमारे पास आंकड़े हैं, जैसे हमारे पास आंकड़े x1 है, x2 है, x3 है, और हमने मान लिया कि x2 हमारा जो है ये कल्पित माध्य है, तो कल्पित माध्य अगर x2 है तो हम विचलन ज्ञात करेंगे, और जो विचलन डी होता है, डी जो है हमारा हर आंकड़े से जो है हम अपने a को घटाएंगे यानी कल्पित माध्य को घटा देंगे, तो ये हमारा विचलन हो गया। x1 में से भी a घटाएंगे, x2 में से भी a घटाएंगे और x3 में से ये घटाएंगे, तो ये हमारा विचलन आ गया। तो अब विचलन ज्ञात करने के बाद हम पूरे विचलन का योग निकालते हैं। योग निकालने के बाद विचलन के योग को आंकड़ों की संख्या से भाग देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम फिर कल्पित माध्य में उपरोक्त निकाले गए पद को, जो हम विचलन को आंकड़ों से भाग देने पे निकालते हैं, उससे फिर हम जो है कल्पित माध्य में उसको जोड़ देते हैं। जैसे हम उदाहरण में देखें कि हमारे पास निम्नलिखित आंकड़े 7 परिवारों के साप्ताहिक आय को दिखाते हैं। इसमें जो है 3 कॉलम बने हुए हैं, एक परिवार, दूसरा उसकी आय है, और तीसरा हम जो है विचलन को दिखाए हैं। परिवार में हमने ए बी सी डी ई एफ जी लिया है, और उनकी आय जो है रुपए में 850, 700, 100, 750, 5000, 250, 400 है, यानी जो परिवार जी है उसकी आय को हमने कल्पित माध्य मान लिया है। आप जो है इन आंकड़ों में से भी मान सकते हैं या इनके अलावा भी मान सकते हैं, जैसे 600 ले सकते हैं, 650 ले सकते हैं, ये सब इन आय में नहीं है, लेकिन आप इनको भी ले सकते हैं। तो हमने जो है 400 को अपना कल्पित माध्य माना है। अब इस कल्पित माध्य के बाद हम अपना विचलन निकालेंगे। विचलन निकालने के लिए हमने बताया x माइनस a, तो x माइनस a जब करेंगे तो a परिवार का जो विचलन आएगा वो 850 में से 400 घटाएंगे तो 450 आएगा, और 700 में से 400 घटाएंगे 300 आएगा, 100 में से 400 घटाएंगे माइनस 300 आएगा, 750 में से 400 घटाएंगे 350 आएगा, इसी प्रकार 5000 में से घटाएंगे तो 4600, 2500 में से घटाएंगे तो 2100, और 400 में से खुद जब 400 घट जाएगा तो वो 0 आ जाएगा। उसके बाद हमने बताया कि सारे विचलन को हम जोड़ लेंगे, योग कर लेंगे, और वो योग जो है हमारा 7500 आया। और इधर हमने आय को भी जोड़ लिया। हम ये भी दिखाएंगे कि किसी सवाल को आप प्रत्यक्ष विधि द्वारा करिए या कल्पित माध्य विधि द्वारा करिए, आपका उत्तर दोनों से समान आएगा। तो हमने जो है इसमें आय को जोड़ लिया, तो आय जो जुड़ा है वो 10300 आ गया, और इधर विचलन को जोड़ लिया वो 7500 आ गया। तो यहाँ पर जो कल्पित माध्य जो हमने माना है वो 400 है। उसके बाद जो है हम जो विचलन का योग किए हैं, जो विचलन का हमने योग किया, तो विचलन के योग में भी यानी समेशन डी, ये विचलन का योग है, और विचलन का योग जो है हमारा 7500 आया है। चूंकि आंकड़ों की संख्या यानी जो परिवार की संख्या है वो 7 है, तो हम जो है परिवार की संख्या यानी यही हमारे आंकड़ों की संख्या है वो 7 है, तो परिवार की संख्या जो है ये 7 है। अब हम जब अपना माध्य निकालेंगे, वास्तविक माध्य, तो कल्पित माध्य यानी 400 प्लस 7500 भागे 7, ये हमारा आ गया। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमको 1471.4285 ये प्राप्त होगा। ये हमारा जो है कल्पित माध्य विधि द्वारा हमने अपना माध्य निकाला। अगर इसी को हम अगर प्रत्यक्ष विधि द्वारा निकालते तो प्रत्यक्ष विधि में सभी आय का योग जो समेशन एक्स है हमारे पास, वो समेशन एक्स जो है हमारा 10300 डिवाइडेड बाई 7, और जब इसको भी भाग देंगे आप 10300 भागे 7, तो ये भी जो है आपका 1471.4285 आएगा। तो इस प्रकार हम एक ही उदाहरण से दोनों विधियों को लगा के देखा, और दोनों विधियों से उत्तर हमारा एक ही आया। अगला जो है हमारा अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य निकालना। इसमें हम एक उदाहरण लिए हैं कि किसी महीने में रणजीत की दैनिक मजदूरी नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित की गई है। अब वो सारणी जो है दैनिक मजदूरी रुपये में है,
वो मजदूरी है 120 रुपये, 130 रुपये, 140 रुपये, 145 रुपये और 150 रुपये। दिनों की संख्या, 120 रुपया वो 5 दिन पाता है, 130 रुपया वो 4 दिन पाता है, 140 रुपया वो 7 दिन पाता है, 145 रुपया वो 6 दिन पाता है, 150 रुपया वो 8 दिन पाता है, यानी कि 30 दिनों, एक महीने में वो ये विभिन्न रुपये जो है पाता है। अब इसका हम जो है प्रत्यक्ष विधि से और कल्पित माध्य विधि से इसका माध्य निकालेंगे। तो जब हम प्रत्यक्ष विधि में जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसमें 3 कॉलम बने हैं, दैनिक मजदूरी, दिनों की संख्या और फिर एक एफएक्स। चूंकि हम दैनिक मजदूरी को यक्स से डिनोट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, दिनों की संख्या को यप से, यानी फ्रीक्वेंसी है ये, तो उसको यप से और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई यफ इंटू यक्स को हम तीसरे कॉलम में रखेंगे। मजदूरी चूंकि 120 रुपये, 130 रुपये, 140, 145, 150 है। फ्रीक्वेंसी जो है आपकी, दिनों की संख्या जो है वो 5, 4, 7, 6, 8 है, जिनका सम जो है 30 है। फिर जब हम एफ इंटू यक्स करेंगे तो 120 गुणे 5, 130 गुणे 4, 140 गुणे 7, 145 गुणे 6 और 150 गुणे 8, जो कि 600, 520, 980, 870 और 1200 रुपये होंगे। जब हम इन एफएक्स को जोड़ लेंगे, यानी समेशन एफएक्स निकालेंगे, तो वो 4170 रुपये आएंगे। फिर हम समेशन एफ यानी पूरी आवृत्ति को जोड़ लेते हैं और फिर हम प्रत्यक्ष विधि में सभी समेशन एफएक्स को समेशन एफ से जो है हम भाग दे देंगे। तो जब हम माध्य निकालेंगे इसका, तो इसका माध्य जो है हो जाएगा समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ। चूंकि समेशन एफ एक्स जो है हमने निकाला है 4170 और जो समेशन एफ है वो आपका 30 है, तो ये जो है कट के 139 रुपये आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि रणजीत की माध्य दैनिक मजदूरी 139 रुपये। अब इसी उदाहरण को हम कल्पित माध्य विधि से हम देखेंगे। तो कल्पित माध्य विधि में जो है हम पहले अपने इसी मजदूरी से को जो है एक उसमें से कल्पित माध्य मान लेंगे। हमने बताया कि आप उन आंकड़ों से भी मान सकते हैं या आप उन आंकड़ों से बाहर भी कोई नंबर आप अपने कल्पित माध्य के लिए ले सकते हैं। तो इसमें हमने जो है 4 कॉलम, जैसा आप देख सकते हैं कि हमने जो है 4 कॉलम बनाए हैं और जो 4 कॉलम है इसमें एक दैनिक मजदूरी रुपए में है, दिनों की संख्या है जिसको यफ से डिनोट किए हैं, और हमारा विचलन जो एक्स माइनस ए है, और फिर हम एफ इंटू डी यानी अपने फ्रीक्वेंसी को उस विचलन से गुणा किए हैं। तो आप दैनिक मजदूरी में जो है 120, 130, 140, 145 और 150 है। 140 को हमने जो है यहाँ पर अपना कल्पित माध्य माना है। अब जो है कल्पित माध्य मानने के बाद हम इसका विचलन निकालेंगे। विचलन जो है आपका -20, -10, 0, 5 और 10 है। जब हम बारंबारता को यानी दिनों की संख्या को उस विचलन से गुणा करेंगे तो 5 × -20 -100, 4 × -10 -40, 7 × 0 0, 6 × 5 30, 8 × 10 80 हो जाएगा। हम फिर इस एफ डी यानी जो फ्रीक्वेंसी को डेविएशन यानी विचलन से गुणा किए हैं उनका योग करेंगे और वो योग आएगा आपका -30, यानी समेशन एफ डी जो है आपका -30 है, समेशन एफ जो है आपका 30 है, और हमने जो कल्पित माध्य माना है, कल्पित माध्य हमने 140 को माना है कि हमारा ये कल्पित माध्य है। जब हम कल्पित माध्य से अपना माध्य वास्तविक माध्य निकालेंगे तो ये माध्य जो है आएगा कल्पित माध्य यानी 140 प्लस समेशन एफ डी यानी -30 डिवाइडेड बाई 30 और ये हो के 140 -1 यानी 139। तो इस विधि द्वारा भी हम देख सकते हैं कि रणजीत की माध्य दैनिक मजदूरी जो है आपकी 139 रुपये है। तो हमने इसी उदाहरण को दोनों विधियों द्वारा देखा और रणजीत की माध्य दैनिक मजदूरी जो है हमारी 139 रुपये आई। तीसरा केस जो है वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य, इसमें भी हम दोनों विधियों से एक उदाहरण को देखेंगे। प्रत्यक्ष विधि जो है इसमें एक उदाहरण है कि एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन की स्थिति में प्रत्येक वर्ग को एक संख्या वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु से बदल दिया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो वर्ग हमारा है, वर्ग अंतराल है, उसका मध्य बिंदु निकालते हैं। मध्य बिंदु के लिए हम क्या करते हैं कि हम निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को योग करके किसी भी वर्ग का, जैसे
अगर कोई वर्ग हमने लिया 20 से 30, तो 20 से 30 वर्ग का जब हम मध्य बिंदु निकालेंगे, वर्ग का मध्य बिंदु जो आएगा उसकी निम्न सीमा हर वर्ग की, ये है हमारी निम्न सीमा और ये है हमारी उच्च सीमा, इसको हम बोलते हैं उच्च सीमा। इन दोनों का योग यानी 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा हो जाएगा 25, यानी ये हमारा जो है आपका मध्य बिंदु है। तो हम हर वर्ग अंतराल का जो भी है उससे मध्य बिंदु निकालते हैं। मध्य बिंदु निकालने पे हमारी एक अलग सारणी बन जाएगी। तो हमने जो यहाँ पे सारणी ली है उसमें वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, जिनकी आवृत्ति 1 है, 8, 6, 7, 21, 23 और 19 है। अब हम देख रहे हैं कि हमने फिर एक 4 कॉलम बनाया है, अंक वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, उसकी बारंबारता जो है हमारी 5, 6, 9, 8, 10, 6, 6, उनका सारे का योग जो है हमारा 50 है। उसके बाद मध्य बिंदु जब हम निकालेंगे तो मध्य बिंदु जो है हमारे 5, 15, 25, 35, 45, 55 और 65 होंगे। उसके बाद प्रत्यक्ष विधि में हम क्या करते हैं कि उसी फ्रीक्वेंसी से, बारंबारता से हम अपने मध्य बिंदु, ये हमारा यक्स हो गया, उससे जो है मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है एफएक्स जो है वो 25, 90, 225, 280, 450, 330 और 390 आएगा। जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे समेशन एफएक्स की जो वैल्यू है वो जो है समेशन एफएक्स यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि में जो है हमको माध्य निकालने के लिए समेशन एफएक्स और जो है समेशन एफएक्स के बाद डिवाइडेड बाई समेशन एफ, जैसे हम माध्य निकाले तो हमारा समेशन एफएक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ, तो समेशन एफएक्स जो है हमारा यहाँ से जब हम निकालेंगे तो वो हमारा 1790 आएगा, जैसा कि हम देख रहे हैं 1790, और समेशन एफ जो है वो हमारा 50 है। इसको इसकी मान को जब हम इसमें सूत्र में रखेंगे तो ये हमारा 1790 / 50 और इसका जो मान आ जाएगा वो 35.8 आएगा। तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा इस उदाहरण को हमने देखा, अब इसी को हम जो है कल्पित माध्य विधि द्वारा देखेंगे। तो कल्पित माध्य विधि द्वारा जो है हमारी सारणी जो है वो 5 कॉलम में बट जाएगी। इसमें जो है वर्ग अंतराल अंक रहेगा, बारंबारता रहेगी, मध्य बिंदु रहेगा, फिर विचलन, चूंकि मध्य बिंदु में से किसी एक संख्या को हम जो है कल्पित माध्य मान लेंगे और उससे जो है हम अपने पूरे मध्य बिंदु का विचलन निकालेंगे, विचलन होगा और फिर जो है हम अपनी फ्रीक्वेंसी का, बारंबारता का जो है उस विचलन से गुणा कर देंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा मध्य बिंदु जो हमने पिछले में बताया और विचलन, हमने चूंकि कल्पित माध्य 45 को लिया है तो अब 45 से हम जब विचलन निकालेंगे तो 5 का विचलन -40 होगा, 15 का विचलन -30 होगा, 25 का विचलन जो है -20 होगा, 35 का विचलन जो है -10 होगा और 45 का 0 होगा, 55 का 10 होगा और 65 का जो है 20 होगा। इस विचलन को जब हम बारंबारता से गुणा करेंगे तो हमारा FD जो है -200, -180, -80, 0, 60 और 120 आएगा। तो जब हम इस विधि में जाएंगे, इस विधि का जो सूत्र है वो a प्लस, अगर हम इसमें माध्य जाएंगे तो इसमें सूत्र है कि a यानी हमारा कल्पित माध्य प्लस समेशन FD डिवाइडेड बाय समेशन f, ये हमारा सूत्र है। कल्पित माध्य जो हमने 45 को लिया है तो a बराबर 45 हो गया हमारा, प्लस समेशन FD जो हमने निकाला है जो -460 है, तो ये -460 और डिवाइडेड बाई समेशन f चूँकि 50 है तो ये जो है आपका 50 आ गया। हम जब इसको हल करते हैं तो इससे भी देखेंगे कि 45 और माइनस जो है 9.2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9.2 आएगा और जब इसको फिर से करेंगे तो हमारा 35.8। तो फिर हम देखते हैं कि इसी उदाहरण में जो है हमारा जो है दोनों विधियों से उत्तर जो है 35.8 आया। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है ये कक्षा में जो है माध्यिका, आपको जो है मीन्स समझ में आया होगा मध्या, और आप इसको
प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।